हमारी ये रेलवे क्रॉसिंग है जो आप देख पा रहे होंगे, और इधर ये फैक्ट्री है जो ट्रैक्टर ट्रैली जो भी है यहाँ पे सिस्टम जो भी बनता होगा, तो इधर तो हमको मालूम नहीं है जो भी बनता होगा। इसके जस्ट बगल में ये मंदिर है, तो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और अभी ये निकल रहा है तो हमने देखा कि बहुत मतलब मुझे अच्छा लगा, तो हमने कहा कि इसको शूट करें और आपको दिखाएं। और इधर ये बाराबंकी है, तो बाराबंकी से मैं आ रहा था, और चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं, बने रहे हमारे वीडियो में। हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, और मैं हूं सुधीर मिश्रा, आ चुका हूं फिर से एक नई वीडियो लेके। तो धरसनिया पहुंच चुके हैं अभी हम, यहां पे एक मंदिर है जो बाबा का, जो पंडित जी से भी पता करेंगे वहां पे क्या सिस्टम है अंदर, क्या मतलब कौन कौन से भगवान है। तो अभी पंडित जी को भी बुलाते हैं और पंडित जी से कुछ पता करेंगे, उसके बाद चलते हैं अंदर और अंदर का लुक दिखाते हैं भगवान का। और यहाँ पर बालाजी का मंदिर है, जो पाँच मुख के हनुमान जी हैं वो मंदिर है यहाँ पे, अभी दिखाते हैं पूरा। बने रहे हमारे वीडियो में, अगर चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मंदिर कैसा लगा। पंडित जी से पूछेंगे कि ये जो मंदिर है ये कितने साल पुराना मंदिर है। पंडित जी कितने साल पुराना मंदिर है? ये करीब 50 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर के निर्माणक हमारे श्री गोविंद अग्रवाल बाबू जी हैं, उनके सुपुत्र श्री सुशील कुमार अग्रवाल के द्वारा यहाँ का संचालन हो रहा है। उनके बड़े पांच भाई हैं, वो अशोक अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, सुशील अग्रवाल, कमल अग्रवाल, और ये पांचों भाइयों में तीसरे नंबर वाले सुशील अग्रवाल जी जो हैं इस मंदिर की देखभाल करते हैं। ये मंदिर कहाँ पर है पंडित जी? ये मंदिर धरसनिया रोड, धरसनिया सफेदाबाद रेलवे क्रॉसिंग पे, गोविंद इंडस्ट्रीज। मेला वाला लगता है यहाँ पे? नहीं, यहाँ मेला वाला कोई नहीं लगता है। चार प्रोग्राम बाबूजी की तरफ से होते हैं, शिवरात्रि को मनाया जाता है शिवरात्रि, दूसरा श्री जन्माष्टमी, तीसरा मनाया जाता है 16 जनवरी। 16 जनवरी को हमारे नर्मदेश्वर भगवान, राधा कृष्ण, माता दुर्गा जी, शंकर जी, पार्वती जी का पूरा परिवार, गणेश, खटमुख, श्री राम दरबार, ये सभी देवताओं की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये आपने सुना है पंडित जी ने जो बताया है, और चलते हैं मंदिर के अंदर आपको दिखाते हैं। लोकेशन पंडित जी ने बता ही दिया है, और चलते हैं मंदिर के अंदर आपको दिखाते हैं जो पांच मुख्य हनुमान जी हैं उनके आप दर्शन कर सकते हैं, कोई दूर नहीं। अगर बाराबंकी व्यूअर हैं तो, अगर बाराबंकी के हमारे व्यूअर हैं तो यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं, और अगर हमारे लखनऊ से कोई व्यूअर है तो भी आके यहाँ दर्शन कर सकते हैं। मंदिर बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं यहाँ से निकल रहा था, हमने कहा इसको भाई शूट करके। बाहर का मंदिर का जितना भी सीन है ये सब हमने अभी आपको दिखाया है, और अभी चलते हैं हम मेन जो शंकर जी की शिवलिंग है जो आप देख पा रहे होंगे, ये शंकर जी की शिवलिंग है जो आप देख पा रहे होंगे। Bye.
हनुमान जी और लक्ष्मण राम सीता, ये यहाँ पर चारों लोग विराजमान हैं। उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे आए। और काफ़ी भव्य मंदिर बना हुआ है और शक्तिशाली मंदिर है यहाँ पर। पंडित जी, ये कौन से मंदिर? माता जी है, ये माता पार्वती है, ये हमारी जो आप देख पा रहे हैं। जी हमारे गणेश भगवान, ये देखिए हमारी माता जी शेरावाली। ये अंदर मंदिर का कुछ है नजारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को, अब हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जिस तरह मुझे प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं भाई को, इसी तरह सपोर्ट दीजिएगा और प्यार बना के रखें। और भाई आपका मेहनत कर रहा है, करता रहेगा। मिलते हैं आपको, हमारे पास पुजारी जी हैं। ये पुजारी जी जो है बता रहे हैं लिंग के विषय में, और अभी जानेंगे पुजारी जी से लिंग के विषय में क्या बताते हैं पुजारी जी। हाँ पुजारी जी, क्या बता रहे हैं? ये लिंग भगवान काल राम का सगा छोटा भाई है। क्या मतलब, क्या दिखा रहे थे? इसमें जो है ये गोल्डन शिवलिंग होता है। अच्छा, इसमें सोना होता है। अच्छा, काल राम में भी सोना होता है और मूर्ति में भी सोना है। उसमें देखिए ये जो है ये गोल्डन शिवलिंग बना हुआ, देखिए पहला शिवलिंग देखिए, ये देखिए, और देखिए यहाँ तक आया है, यहाँ तक एक नहीं है, अनेकों शिवलिंग सब गोल्डन बने हुए। इसमें बेलपत्र बिल्कुल साफ स्पष्ट, पूरे लिंग में बेलपत्रों से आच्छादित है, बेलपत्र बने हुए जो कि ऑटोमेटिक किसी ने बनाया नहीं, कारीगर ने, यह स्वतः नदी से बना हुआ निकला है। और सामने देखिए गोल्डन रोज का गुलाब फूल में आया है, पानी धार चल नहीं है। देखिए ये जो है ये गोल्डन रोज है, गुलाब का फूल है, जो प्रथम पहले शिवलिंग में है। ये शिवलिंग आकृति थोड़ा धूमिल हो गई है, ये प्रथम शिवलिंग में गोल्डन गुलाब है। ये चंदन जो है ये मूर्ति के साथ निकला हुआ, कोई पेंट नहीं है, ये भी चंदन जो है मूर्ति के साथ निकला हुआ है। देखिए ये सब लिंग आकृतियाँ बनी हुई हैं, हजारों लिंग आकृतियाँ जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, ऐसे शिवलिंग इसमें बने हुए हैं। इसके बारे में व्यास ने लिखा है कि बाण लिंगान राजन छाटान धोनस्थ है। कलयुग में अगर कहीं बाण लिंग बन जाएगा तो तैलुग की मूर्ति होगी। न प्रतिष्ठा न संस्कार तेसम न आवाहनम तथा, उस मूर्ति की कोई प्रतिष्ठा या संस्कार या आवाहन नहीं कर सकता है। ये मूर्ति जहाँ रहती है ब्रह्मांड के सारे देवता अहोर्निश और रातों दिन वहाँ निवास करते हैं इस मूर्ति की। और भी विशेष बातें लिखी हुई हैं, जितने भी लिंग हैं उत्तम प्रकार के, उन सबसे बेस्ट लिंग ही माना गया है। भगवान शालिग्राम के निकलने से उस नदी का नाम हुआ नारायणी, क्योंकि भगवान शालिग्राम नारायण, और काले शिव के निकलने से उसका नाम काली गंगा हुआ है, क्योंकि शिव पर गंगा का निवास होता है, इसलिए काले शिव निकलते हैं तो उसका नाम काली गंगा हुआ है। और भगवान शालिग्राम, साल माने जल होता है, ग्राम माने घर होता है, जिसका जल में घर उसका नाम शालिग्राम होता है। नारायण भी नार माने जल, ऐन माने घर,
जिसका जल में घर हो उस प्रकार से वो नारायण, नारायण में एक अर्थ होता है नारायण माने नर माने होता है पूरा संसार चराचर जगत, आयन माने घर, जिसमें सारे संसार का घर हो उसे नारायण कहा जाता है। यथा सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे, जब संसार घटना होता है तो जिसके शरीर से सारा संसार स्वतः पैदा हो जाता है। यथा सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिन् स कलयम यान्ति पुनरेव युगक्षयः, जैसे सूर्योदय होता है तो किरणें आ जाती हैं और जो सूर्यास्त होता है वो किरणें सूर्य में फिर चली जाती हैं। उस प्रकार से सृष्टि होती है तो सारा संसार चराचर जगत भगवान की संत पैदा हो जाता है और जब उसका नाश करना चाहते हैं भगवान तो अपने शरीर में इसको कर लेते हैं, ये विशेषता है। तो प्रकार से यह शिवलिंग जो है द्वादश ज्योतिर्लिंग से भी ऊपर से माना गया है, क्योंकि त्रैलोक की विख्यात मूर्ति है। माण लिंगान राजेन ख्यातान भूनत है, हमारे पास और भी बहुत लिखा रखा हुआ है कि इतने कितने प्रकार की शिवलिंग होते हैं, ये भी बहुत लिखा है, उनमें सबसे अद्भुत यही माना गया है शिवलिंग। ये कहाँ से मतलब लाया गया? ये जो है ये गंडकी नदी नेपाल में पड़ती है, नेपाल, हाँ नेपाल से निकल के हमारे यहाँ यूपी और बिहार के बॉर्डर से होते हुए जाकर समझे मिल जाती है। उत्पाती नदी बहुत बड़ी भयंकर नदी होती है, मगर शिवलिंग ये बहुत हमने भयानक देखी है, ये यहाँ पे देखी है बहुत भयानक शिवलिंग है जी। बाकी हल्के फुल्के शिवलिंग तो हर मंदिरों में आपको मिल जाएगी जी जी, मगर यहाँ पे हमने बहुत भयानक मतलब देखा है रूप। नहीं भयानक की बात नहीं है, भयानक तो इससे भी बड़े शिवलिंग है आपको दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें जो विशेषताएं हैं वो आप किसी सिंह में नहीं मिले, नहीं है किसी ज्योतिर्लिंग में भी ये विशेषता है, इसमें लिंगाकृति बनी हुई है। कुछ लोगों ने हमसे कहा महाराज ये बनाया हुआ है, हमने कहा सर बनाया हुआ तो तुमने कितने लिंग ऐसे देखे, तुम्हें बनाया हुआ देखा हुआ? तो कहा नहीं कहीं नहीं देखा, हम कहते ये ऑटोमेटिक है, किसी बनाया नहीं, ये प्रकृति ने बनाया है, प्राकृतिक मूर्ति होती है इसलिए। और ये शांत स्वरूप भगवान शिव है, परम वैष्णव ये है भगवान, भगवान नारायण परम भक्त हैं, इसलिए इन पर जो है मदार या जो है या वो मदार नहीं चढ़ाया जा सकता है, उस पर हम जो है तो उसको क्या कहते हैं मदार के अलावा कनक कनक से धतूरा कदापि नहीं जा सकता है, क्योंकि ये परम वैष्णव शांत स्वरूप भगवान है, इन पर कनक धतूरा और मदार जो वो शिव हैं जो प्रलय करते हैं, जो प्रलय कारण में जिनका स्वरूप भयंकर हो जाता है वो शंकर हैं, उनको मदार और धतूर जाया जाता है, शिव को मदार धतूर नहीं जाया जा सकता। इनको तुलसी देखिए, हमने तुलसी इनको बहुत प्रिय है, इनको तुलसी चढ़ाई जा सकती है, इनको अच्छे से फल रहे जा सकते हैं, इनको धतूर या मदार नहीं या भांग नहीं चढ़ाया जा सकता है, ये विशेषता इनकी है। हमारे जो मतलब हमारी जो वीडियो देख रहे हैं उनसे आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ क्या कहना चाहते हैं भाई? हम तो यही कहना चाहते हैं कि भगवान का जो शिवलिंग है बड़ा ही दुर्लभ है, बहुत ही अप्राप्त शिवलिंग है, अद्वितीय शिवलिंग है। जैसा दास जी ने कहा है कि बाणलिंगान राजेन ख्यातान भुवनत त्रय, हे राजन बाणलिंग अगर मिल जाए गए तो त्रैलोक में विख्यात। ये मूर्ति 10 के हिसाब से स्थापित नहीं है, जैसे नर्मदा से नर्मदेश्वर निकलते हैं वो भी दिव्य मूर्ति होती, तीन प्रकार के लिंग भगवान शिव होते हैं, एक तो स्वयंभू लिंग जैसे महादेवा हमारे पास है, स्वयंभू लिंग रूप कहा जाता है, हमारे मंदिर से 2 किलोमीटर दूर एक मत्स्येश्वर भगवान है, वहाँ की भी मत्स्येश्वर भगवान है, वो भी जो है वो भी शिवलिंग कोई जानता नहीं कम निकल, वो भी स्वयंभू लिंग है। तो पहला तो स्वयंभू लिंग हो गया और दूसरा ज्योतिर्लिंग आप तो लोग जानते हैं, और तीसरा जो है बाणलिंग जिसको कोई नहीं जानता और ये बहुत ही प्राचीनतम लिंग है। सौभाग्य की बात है कि जो हमारे ये पुजारी जी हैं और अंदर आने का मुझे मौका दिया और यहाँ पे आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे मतलब बहुत ही जो भी चीज़ें थी सारी चीज़ें मंदिर के विषय में बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और चलते समय पुजारी जी ने मुझसे बोला कि बेटा कुछ प्रसाद ले लो और प्रसाद खा के तभी यहाँ से निकलो, तो चलते हैं देखते हैं पुजारी जी हमारे क्या प्रसाद में क्या दे रहे हैं और खा के भी आपको बताते हैं। ये पेड़ा और मेवे का लड्डू ये आ चुका है मंदिर में, तो हम तो यही कहते हैं कि आप लोग अगर दर्शन करने आए कभी
बजरंगबली में, पुजारी जी से ज़रूर मिलिएगा और मंदिर के विषय में ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी आप वीडियो अगर हमारी देख रहे हैं तो उसके विषय में पुजारी जी ने जो बताया शिवलिंग के विषय में, वो आप एक बार आएँ और ट्राई करें और देखें। भगवान यहाँ पर छात्र छात्र आपको दर्शन दे रहे हैं, तो बने रहें तब तक मैं प्रसाद खा रहा हूँ। हाय कर दो, हाय कर दो, प्रसाद जी प्रसाद जी प्रसाद।